हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ लिट्टी चोखे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा इसे खाया जाता है, दिल्ली वगैरह में भी। वैसे ये डिश बिहार यूपी की है, लेकिन इसे ऑल ओवर इंडिया लोग बहुत शौक से बनाते और खाते हैं। तो आज मैं यही आपको बताने वाली, ये रेसिपी बताने वाली हूँ। ये सत्तू से बनती है इसकी जो लिट्टी है, और यहाँ पे मैंने टमाटर और बैंगन के मैंने भरते बनाए हैं तो चोखा। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो मैंने बैंगन लिए हैं, ये स्पेशली चोखे के लिए ही आती है, तो ये मैंने इसमें कट डाल दिए और अंदर देख लिया है कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। अभी मैं इसमें इसके अंदर मैं लहसुन की कलियाँ मैं डाल रही हूँ, जिससे कि वो जब बैंगन को हम भूनेंगे या पकाएंगे, जो भी कहिए, तो गैस पे पकाने वाले हैं तो उसमें ये जो लहसुन की कलियां हैं वो पक जाएंगी। आप चाहे तो हरी मिर्च भी इसके साथ में आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो वो भी पक जाएंगी, और नहीं तो फिर आप बाद में तो हमें कट करके डालनी ही है। यहाँ मैंने गैस पर एक जाली रख दी है, और ऐसी जालियाँ आपको मिल जाती हैं मार्केट में, ईज़िली मिलती हैं। उसके ऊपर मैं दो टमाटर और एक बैंगन मैंने डाले हैं, और मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लेकर के इनके ऊपर थोड़ा सा रब कर दूंगी, तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से, जिससे कि जो इसके छिलके होते हैं ना बहुत ही आसानी से निकलते हैं, और बैंगन के साथ में नहीं तो क्या होता है ना कि जब हम बैंगन पका लेते हैं ना, तो जब हम उसे छीलना शुरू करते हैं तो कहीं कहीं पे से उसके अंदर के जो उसके गुदे होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आप छिलके पकड़ ऑयल लगा करके आप इसे अगर सेकेंगे टमाटर और इसको बैंगन को, तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो बताया है, आप ऐसा करके अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही करके मैं इसे उलट पलट करके अच्छे से टमाटर और बैंगन दोनों को सेक लूँगी, पका लूँगी, भून लूँगी, जो भी कहिए वो मैं कर लूँगी अभी। तो इसे करने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी बैंगन या टमाटर बहुत ज़्यादा कड़क हैं, टाइट हैं, तो फिर थोड़ा टाइम और लगता है। तो मुझे ऑलमोस्ट ये 7 से 8 मिनट लग गए थे इन्हें भुनने में, पकाने में, तो ये हो चुके हैं। अभी मैं गैस को कर दूंगी अब ऑफ़, और इन सबको मैं निकाल लूंगी, और इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके जो छिलके हैं उसे हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पर ये जो हैं इसके, ये अभी मतलब अब ज़रूरत नहीं है, तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, अच्छे से भून चुके हैं। अभी ऑयल लगाने के कारण इसके जो ऊपर के छिलके अच्छे से पक जाते हैं, भुन जाते हैं, और अंदर में जो बैंगन या टमाटर अच्छे से पकता है ये। अभी अब उसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम लिट्टी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, वो मैं 2 कप मैं लूँगी यहाँ पे, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ मैंने 1/2 स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, नमक, और यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स ऑयल। आप इसके जगह ऑलिव ऑयल या घी भी गर्म करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन डाले हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे पानी का छींटा देकर के अच्छे से हमें गूँथ लेना है। आपको यहाँ पे घी ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि घी ऐड करेंगे ना तो जो बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो लिट्टी में घी यूज नहीं करते हैं, या ऑयल कोई भी मतलब वेजिटेबल ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है ना कि जब बाटी मतलब सॉरी लिट्टी जब हम सेक लेते हैं, तो लिट्टी सेकने के बाद जब वो ठंडी होती है ना तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है कभी कभी, तो टाइट हो जाती है। तो इसको आप टाइट कड़क तो होंगी, जब आप तोड़ेंगे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब क्रिस्पी अंदर से बनता है। दूसरी बात है क्या कि मैं इसे जो बाटी बनाने वाली हूँ, मैं गैस तंदूर पर बनाने वाली हूँ, तो अगर आप गैस तंदूर यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लिट्टी बनाने का। अगर आप गोइठे लकड़ी वगैरह पे बनाते हो तो फिर आप गैस स्टोव यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उस पर लिट्टी बन के रेडी होता है, कलर काफ़ी अच्छे मज़ेदार कलर आते हैं उसके। तो आपको आटे को अच्छे से यहाँ पे मैं गूँथ लेती हूँ, और आटा जो है उसे हमें एकदम जो हम पराठे के लिए जैसा आटा रेडी करते हैं बिल्कुल वैसा रेडी करना है हमें, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़ करना है, और अच्छे से इसे मिक्स कर, जैसे आटे हम मिक्स करते हैं वैसे ही करके अच्छे से, और हमें इसे छोड़ देना है, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा आटा अभी हो जाएगा 2 से 3 मिनट में, एंड इसके साथ में आटे रेडी हो रहे हैं, तो आटे को भी आपको साइड में रख देना है। अब ये हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं इसे, और इसे अब हम रख देते हैं साइड में। ये हो गई है,
अब इसके बाद हम सत्तू रेडी करेंगे जो इसके अंदर हमने भरना है। तो बैंगन तो पहले, चलिए पहले बैंगन का भरता ही बना लेते हैं, चोखा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने छिलके हटा दिए हैं, अब मैं चाकू से इन सबको कट कर दूँगी ऐसे करके। उसके बाद हम मैसर से इसे मैश करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये मैश हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं चाकू से ही इसे कट कर रही हूँ पहले। और जो गार्लिक है, लहसुन जो हमने पकाई थी, वो भी इसके अंदर उसके भी छिलके हटा दिए हैं, और उसे भी हम चाकू से ही हमें कट कर लेना है। उसके बाद मैसर से, जो पोटैटो मैसर आते हैं या पाव भाजी बनाते हैं तो जो मैसर यूज़ करते हैं, उस मैसर से कर लीजिए, या फिर कोई छलनी हो या कोई चम्मच हो ऐसा कि जिससे मैश कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच से ही कर रही हूँ, और इसे भी कट करके इसमें थोड़ा सा हल्का कट लगा देती हूँ, बाकी तो इसके साथ में मैश हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से हमें मैश करना है। और ये जब इतने अच्छे से मैश कर लें कि इसमें ज़्यादा गांठे वांठे ना रहे, वैसे तो अगर थोड़े से गांठ वगैरह रहते भी हैं तो वो भी ऐसा नहीं है, पक्के हुए अच्छे से होने चाहिए। और इसे काफ़ी अच्छे से आपने करना है मिक्स। उसके बाद हम कुछ कटे हुए इसमें प्याज वगैरह डालने वाले हैं, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसे जो हमारी जो ये लिट्टी के साथ खाने वाला जो चोखा है भरता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप सत्तू के पराठे या फिर आलू पराठे के साथ भी, सत्तू के पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है वैसे भी खाने वगैरह में। अगर आप इस सिर्फ भरता भी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी, लेकिन लिट्टी के साथ में अगर इसका कॉम्बिनेशन ना हो तो फिर लिट्टी खाना बेकार है। तो जब लिट्टी बनती है तो ये तो बनते ही। अभी मैंने प्याज कटे हुए, धनिया की पत्ती, कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नींबू काट के लिए हैं। तो हमें इसी मटेरियल में अभी भरते भी बनाने हैं, चोखे भी बनाने हैं और सत्तू भी रेडी करनी है। तो मैं भरते के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ, मैंने 2 स्पून प्याज डाला, हरी मिर्च थोड़ी सी, अदरक डाली है थोड़ी सी, थोड़े से धनिया के पत्ते कटे हुए डाले हैं, सॉल्ट डाल दूँगी, और उसके बाद मैं एक आधे नींबू इसमें ऐड कर दूँगी। आप नींबू की जगह यहाँ पे अचार के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अचार के मसाला भी थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन पहले थोड़ा नींबू डाल लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट इसका, थोड़ा खट्टा टमाटर की वजह से तो होता ही है। तो मैंने सॉल्ट भी डाल दिया यहाँ, और थोड़ा सा अचार का मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे आप मिर्ची के अचार का मसाला या आम के अचार का मसाला आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची के अचार का डाला है थोड़ा सा, जो लाल वाली मोटी मिर्च होती है जिसकी स्टफ करके भर के जो मिर्ची के अचार बनती है, मैंने उसके मसाले डाले हैं जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है, अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये हो गया हमारा जो चोखा है वो हो गया रेडी। अब हमें लिट्टी की बनानी है, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ साइड में। तो देखिए इसे कलर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन, रेड, एकदम वाइट तो अभी ही खाने का मन हो रहा है इसे देख करके। अभी यहाँ पे हो गए हमारे आटे हमारे हो चुके हैं। अभी मैंने सत्तू ले लिया है, तो यह चने का सत्तू है, और यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सब सब कुछ कटी हुई है, इन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो भी बचे हुए प्याज हैं उन सारे प्याज को मैं यहाँ ऐड करती हूँ। धनिया की पत्ती भी जितनी है वो, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 3 प्याज मैंने कट कट किए थे जिसमें मैंने भरते भी बनाए, और ये तो आपको भी 2 प्याज आपको यहाँ पे लगेगा ही, तो 2 प्याज बारीक कटे हुए, एक गार्लिक पूरी कटी हुई गार्लिक इसमें आप अच्छे से डालिए, लहसुन कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जो भी आप जितना तीखा, कम तीखा, ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए। और नींबू के रस डालने हैं, नमक डालेंगे, अजवाइन डालनी है हमें, तो मैंने नमक डाल दिया यहाँ पे। अभी हमें नमक डालने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे अजवाइन ऐड करेंगे, मैंने ले लिया अजवाइन, अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा। सत्तू जो होती है वो थोड़ी सी जिनके गैस की प्रॉब्लम है तो उनको, उनकी मतलब गैस की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, तो अजवाइन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अदरक यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने मिर्ची का ही अचार डाला है यहाँ पे 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल लेने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गर्म करके, लेकिन फ्रेंड लिट्टी में गर्म करके या खौला करके आपको यहाँ पे जो सरसों की तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो नहीं डालनी है, सिंपल डालना है। और लेमन डालो, लेमन मैं यहाँ पे 2 डालने वाली हूँ,
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि सत्तू की जो जो मिट सत्तू जो होती है वो खट्टी, थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे आप जितना खट्टा खाते हो, कम खाते हो तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। एक बार में ज़्यादा नींबू का रस मत डालिएगा, जैसे एक नींबू का रस देने के बाद मिक्स करके किसी को भी दीजिए टेस्ट करने के लिए, अगर लगे कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पड़ जाने के बाद फिर बाद में दिक्कत होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए सत्तू को छानने वाले हैं, क्योंकि सत्तू जो है वो बहुत पानी सोखती है, मतलब खाने के बाद भी बहुत प्यास लगती है, तो इसे हम थोड़ा सा पानी पहले ही पिला देते हैं, जिससे कि कम हमें पानी पिलाए, तो इसे थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सत्तू बहुत इजीली नहीं मिलते हैं फ्रेंड, तो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ अमेजोन से, मुझे मिल जाते हैं, और जिस ब्रांड का चाहती हूँ उस ब्रांड का मिल जाता है, तो वैसे ही मैं सत्तू मंगाती हूँ, शालो भर रखती हूँ। मुझे थोड़ा सा खट्टा कम लगा है तो मैंने थोड़े से नींबू और ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारी जो सत्तू है वो हो गई रेडी, और मेरे हस्बैंड भी उसे टेस्ट करके देख लेंगे, और मेरे बच्चे भी देखेंगे, तो जब वो लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है ओके है, तो फिर भरना शुरू करेंगे इसे। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से नमक और ऐड करो, तो सत्तू ऐसी है कि इसमें हम एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी चीज़ की नहीं बता सकते, क्योंकि सबके खाने के टेस्ट अलग अलग होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम खाता है खट्टा नमकीन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खट्टे और नमक दो चीज़ आपको खुद से, मतलब किसी को भी अपने घर में मेंबर को टेस्ट कराते रहिए, करवा करके ही आप उसको रेडी कीजिए, ओके कीजिए। अगर सत्तू रेडी होगी अच्छी खट्टी नमकीन जो आपके घर के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपकी लिट्टी बहुत मज़ेदार, क्योंकि आप मेहनत बहुत करेंगे इसको बनाने में, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड बनाने में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा खट्टा या नमक थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया, तो लगता है जैसे चलो अपनी मेहनत पे तो पानी ही पड़ गई, तो हमें अपनी मेहनत पे पानी नहीं डालनी है, घर में किसी को भी टेस्ट कराना है उसके बाद ही हमें उसे भरना शुरू करना है। तो यहाँ पे अब मैं भरना शुरू करूँगी, तो छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए हैं, और इसमें हम सत्तू को डालते जाएंगे, और जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा नहीं तो फट जाती है, और जो हम पेड़े बनाते हैं आटे का वो भी बहुत बड़ा नहीं लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा आटे आटे ही लगते हैं, कच्चे दिखते हैं खाने में हो जाते हैं, तो थोड़ा कम लीजिए आटे को भी, लोई को उसके अंदर उसे अच्छे से स्टफ़ करके, और आप उन्हें ऐसे उसे कर देना है करके, तो इसे आप ऐसे ही अच्छे से पैक करते हुए आप बना लीजिए, भर लीजिए, और ऐसे करके 8-10 जब एक बार हो जाए तो फिर गैस तंदूर जो है उसे आप गैस पे डालिए और सेकना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे क्योंकि होता क्या है कि हमें फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखना होता है, जब हम हाई फ्लेम कर देते हैं तो लिट्टी जल जाती है, तो इसलिए हमें जलाना नहीं है। थोड़ा इसमें सेकने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि आप जब लो मीडियम पे सेकेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा सीखता है। तो पहले मैं यहाँ पे भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे करके गोल शेप में, तो थोड़ा सा इसको बराबर से करके रखिए, क्योंकि ये है ना मतलब फूटना नहीं चाहिए, कहीं से खुलना नहीं चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे भर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे गैस तंदूर के लिए गैस को पे तंदूर को चढ़ा दिया है, और अभी मैंने कवर किया हुआ है, जब कवर हटाना है, और अब हमें उस पर ये जाली लगी होती है, इस जाली के ऊपर आपको सारी लिट्टी को डाल देना। हाँ एक मेन बात में और है कि आपको यहाँ पे कांटे की हेल्प से इसमें छेद कर देने हल्के हल्के हाथों से, जिससे कि उससे एयर जो निकलेंगे तो उसके अंदर भी वो काफ़ी अच्छे से पकेंगे, जैसा आपको दिख रहा होगा हर लिट्टी के ऊपर किए हुए हैं, तो हल्के हल्के ज़्यादा कस के मत कीजिएगा, नहीं तो फूट के सारी सत्तू आ जाएंगी बाहर। तो ऐसे करके आपने सेक लेने हैं, तो इसे सेकते हैं। चलिए इसे सेकना भी एक मतलब आर्ट है अपने आप में, लिट्टी सेकना, तो इसे सेकना शुरू करते हैं अच्छे से। और फ्रेंड अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड लाइक से और कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मैंने यहाँ घी का एक बाउल में गर्म कर लिया है, और इसे मैं ब्रश की हेल्प से पूरे लिट्टी पे लगा दूंगी, जिससे कि लिट्टी जो है इसके कलर काफ़ी मस्त आते हैं। अगर आप घी लगा करके हल्के हल्के उसके ब्रश से लगा दीजिए, और
उसके बाद अगर आप सेकेंगे इसे अच्छे से तो इसके कलर काफ़ी मज़ेदार आने वाले हैं, इसलिए घी हल्का हल्का लगाइए और ऊपर का भी जो होता है लेयर वो भी अच्छे से पकता है। और ऐसे करके घुमाते हुए आपको सेकना है और ध्यान रखना है कि गैस को ज़्यादा हाई नहीं करना है और इसे छोड़ के आपको ज़्यादा हटना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब पक रहा है, उसे घुमाते हुए ही पकाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी लिट्टी पक करके हो गई है रेडी और कुछ कुछ अच्छे से लाल हो गए हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। अभी आपको दिख रहे होंगे कि लाल हैं ये, लेकिन फ्रेंड जो ज़्यादा अच्छे से लाल हो गए हैं वो क्योंकि हमने ऊपर से घी लगाई है इसलिए वो अच्छे से कलर उसके आ गए हैं, डार्क कलर अभी हो गए हैं। अभी मैंने बाउल में घी को गर्म कर लिया और लिट्टी यहाँ पे सिक गई है, तो अब मैं उसी लिट्टी को घी में डुबो डुबो करके और थोड़ा सा इसे सोख होने देती हूँ और फिर निकालती जाऊँगी इसे एक एक करके सबको, क्योंकि लिट्टी को अगर आप घी के अंदर में डुबो करके निकालते हैं तो वो उसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और तोड़ के आप चाहें तो उसके ऊपर सर्व करते समय आप गर्म घी करके और लिट्टी को तोड़ के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दें तो और टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमारी जो लिट्टी है वो हो गई है यहाँ पे रेडी और अभी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में सबको, बट बिजी हो शेड्यूल होने की वजह से बहुत कम बन पाते हैं। तो मैं जब बनाने लगी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ लिट्टी। वैसे लिट्टी बनाने के बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, तो यहाँ पे मैं बाउल में भरते डाल देती हूँ। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन, बड़ा मज़ा आता है खाने में, बहुत ही मस्त डिश है ये, अब तो ऑल ओवर इंडिया ही से खाया जाता है बहुत ही चाव से। सो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर